वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई 2020 से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिए। इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? तो ये वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है किस राज्य सरकार ने किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 31 लाख पौधे लगाने का टारगेट है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। पूरे दिल्ली में 31 लाख पौधे लगाने का अभियान है ये, तो ये है दिल्ली का। ओके, अब दिल्ली के वर्तमान टाइम में सीएम कौन है, प्रेजेंट टाइम में, तो अरविंद केजरीवाल जी सीएम है। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। तो ये दोनों ही आपको याद रखना, अनिल बैजल जो हैं वो उपराज्यपाल है और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। 7 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 में किसे सम्मानित किया गया? तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है, कृतिका पांडे को, ठीक है ना, कृतिका पांडे को, उनकी बुक के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ के बारे में। कॉमनवेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको बात करता हूँ। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1931 को स्थापना हुई थी, 11 दिसंबर को। ओके, कॉमनवेल्थ समूह में कौन से देश हैं, वो देश हैं जिनके ऊपर कभी न कभी इंग्लैंड का राज रहा था, यानी कि कभी न कभी उन पर अंग्रेजों का राज रहा था, इसमें वही सभी देशों का समूह है, ठीक है ना। तो उन देशों को कहते हैं कॉमनवेल्थ। ओके, भारत भी इस समूह का सदस्य है। ओके, इस समूह का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं फ्रेंड्स, आपको पता होगा, तो वो भी आपको याद रखना। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, गोल्ड कोस्ट में। 2022 में कहाँ पर होंगे, तो इंग्लैंड में होंगे, बर्मिंगम में। तो ये भी आपको याद रखना है, कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो ये सभी आपको याद रखना है। एंड कृतिका पांडे को दिया गया है शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। ओके, चले अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में विद्यार्थियों की सहायता के लिए लीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो विद्यार्थियों की सहायता से के लिए लीड नाम के एक पोर्टल लॉन्च किया है, ये क्या है? दिल्ली के उपराज्यपाल और सॉरी उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने ये शुरुआत की है दिल्ली में। ओके, तो ये दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स के उनके लिए ये लीड पोर्टल शुरू किया है। ओके, चलिए अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है? जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन में आप लोग किसी भी अपने वाहन के ऊपर लोन ले सकते हैं, तो ये है इंस्टेंट लोन, जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन। ओके, तो ये शुरू किया है HDFC बैंक ने, इंपॉर्टेंट है, HDFC बैंक ने शुरू किया। HDFC बैंक ने अभी कुछ दिन पहले सरल योजना लॉन्च की थी, ठीक है ना, SARAL, सरल सरल नाम की एक लोन योजना शुरू की थी, तो वो भी आपको याद रखना है। ओके, अभी HDFC बैंक की बात है, तो HDFC बैंक के CEO कौन है, आदित्य पुरी इसके CEO हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। ओके, इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है HDFC बैंक का। स्थापना कब हुई थी, अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी HDFC बैंक की, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। किसने हाल ही में भारत का पहला आधिकारिक सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है? तो ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन है फेसबुक इंस्टाग्राम की तरह एलिमेंट्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये मेड इन इंडिया है, पहला ऑफिशियल रूप से सोशल मीडिया अकाउंट है एलिमेंट्स। ओके, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ओके, एलिमेंट्स, तो उसको अभी लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स एप्लीकेशन है, आप भी यूज कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अभी इसको लॉन्च किया है।
चलिए अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में मंत्रिपरिषद में विस्तार किया गया? तो मंत्रिपरिषद में विस्तार हुआ है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अभी शिवराज सिंह चौहान कुछ ही महीनों पहले बनी है, लगभग 3-4 महीनों पहले। तो अभी शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री है। राजधानी क्या है? भोपाल यहाँ की राजधानी है। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन, जो कि अभी बीमार चल रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है एमपी का, ये भी आपको याद रखना है। एमपी के प्रमुख नेशनल पार्क कौन है? कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। तो ये सभी जानकारी आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखनी है। अब मंत्रिपरिषद में जो विस्तार हुआ है वो क्यों चर्चा में है? तो अभी मंत्रियों की संख्या टोटल एमपी में 34 हो गई है, जो कि 15% जो होता है कोटा उससे ज्यादा है, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस अभी। तो इसी कारण से ये अभी चर्चा में ज्यादा है। 15% का कोटा निर्धारित किया गया लोकसभा या विधानसभा में, जो जितने भी कुल सदस्य होते हैं उससे 15% से अधिक मंत्री नहीं रख सकते, ठीक है ना। 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ले अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। किस राज्य में आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू हुई है? तो आसपास हेल्पलाइन क्यों शुरू हुई, ये क्या है, पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में होते हैं, जो आत्महत्या का शिकार हो सकते हैं, वो अपने आप को जो अकेले महसूस करते हैं, वो इस हेल्पलाइन का सहारा ले सकते हैं, आसपास हेल्पलाइन का। तो ये हुई है मध्य प्रदेश में अभी शुरुआत, मध्य प्रदेश पुलिस ने ये शुरुआत की है, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओके, मध्य प्रदेश के बारे में पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस ने FIR आपके द्वार भी लॉन्च की थी, ठीक है ना, FIR आपके द्वार, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में किस देश में सोने की सबसे बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है? तो भी चाइना में जितना भी सोने का स्टॉक है उसका 4% कहां जा रहा है कि वो नकली है, डुप्लीकेट है। 4% सोने का पूरा का पूरा जितना भी चाइना में स्टॉक है ना, उसका 4% कहां जा रहा है कि ये फेक है, मतलब कि ये डुप्लीकेट है, सोना है ही नहीं। तो ये चाइना के सामने सबसे बड़ी धोखाधड़ी है अब तक की चाइना में हुई है। ओके भाई, चाइना आजकल धोखाधड़ी पे ही तुला हुआ है। ओके, राजधानी क्या है चाइना की? बीजिंग यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है युआन। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय खेल कौन सा है चाइना का? टेबल टेनिस, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड सर्वाधिक 14 देशों के साथ सीमा बनाता है चाइना, जो कि आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत चाइना बॉर्डर को क्या कहा था? मैकमोहन लाइन कहा जाता है। चाइना जो है भारत के 5 स्टेट के साथ बॉर्डर बनाता है, तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी बातें जो भी आपको मैं बताता हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब बात कर रहे हैं 9th क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने उसके परमाणु संस्थानों पर साइबर हमला करवाया है? तो भी किस देश ने ये आरोप लगाया है कि इजराइल ने उसके परमाणु जो संस्थान है उस पर साइबर अटैक करवाया है? तो ये कहा है? ईरान ने, ठीक है ना, क्योंकि अभी ईरान और अमेरिका के बीच में पहले से ही तनातनी चल रही थी और अमेरिका और इजराइल तो भैया पक्का दोस्त है, ठीक है ना। तो इसी कारण से ये ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने उस पर साइबर अटैक किया है, ठीक है ना। तो ये ईरान भाई आजकल ऐसा ही है। ईरान ने अभी पहले इंटरपोल से कहा था कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप लोग अरेस्ट करो, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवाया था ईरान ने, ठीक है ना। तो ये भी हुआ था। अब ईरान की बात की जाए तो मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल यहाँ की मुद्रा है। राजधानी है तेहरान, इंपॉर्टेंट याद रखना है। राष्ट्रपति है हसन रूहानी, ये भी आपको याद रखना, तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। एंड इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रूवेल रेवलिन यहाँ के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के अभी प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री है। एंड इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूँ, आज का सवाल पूछता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कल का सवाल क्या था? विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये मैं आपको क्वेश्चन क्यों पूछा था, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया। भगवान शिव का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है ये विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला। ओके, तो ये आपको याद रखना। तो ये झारखंड के देवघर में भरा जाता है हर साल, जो कि स्थगित हो गया था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से आपके सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि श्रावणी मेला किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड राज्य से संबंधित है, देवघर में भरा जाता है झारखंड के। ओके, अब आज का क्वेश्चन कौन सा? ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 2020 से 30 के मध्य में ई कचरे में 38% की इंक्रीजमेंट होगी, ठीक है ना, 38% ई कचरा बढ़ जाएगा
2020 से 30 के मध्य, ठीक है ना। तो वो बात अलग है, रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको बताना है ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, उसका आपको कमेंट करके आंसर देना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको काफी कुछ नॉलेज मिल जाता है, करंट अफेयर्स मिल जाता है, साथ में आपको स्टैटिक्स जीके मिल जाता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। पीडीएफ और क्विज के लिए टेलीग्राम में जाना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।